यहाँ पर इस फिगर में आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं डायमंड बेसिकली कार्बन एटम से बना हुआ होता है तो ये कार्बन एटम है ये कार्बन एटम है ये कार्बन एटम है, है तो ये सब कार्बन एटम्स है और एक कार्बन एटम अपने चारों तरफ चार कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड bond से बॉन्डेड होता है सो दिस बॉन्ड इज को वेलेंट बॉन्ड और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड तो जब कोई सॉलिड उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वो एटम्स सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से अगल बगल के एटम्स के साथ जुड़ा हुआ रहे तो उस तरह के सॉलिड्स को कहा जाता है कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड तो डायमंड इस, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है सिलिकन कार्बाइड का सिलिकॉन कार्बाइड यहां पर क्या होता है एक सिलिकन एटम अपने चारों तरफ चार कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है हर एक कार्बन एटम और अपने चारों तरफ चार कार्ब चार सिलिकन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है सो so डायमंड इसका एक एग्जाम्पल हो गया सिलिकन कार्बाइड इसका एक और एग्जाम्पल हो गया अब देखिए इसका जो प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए देखिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड से हर एक एटम जुड़ा हुआ है नेबरिंग एटम्स के साथ जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है इसके कारण ये सॉलिड जो है ये सॉलिड बहुत हार्ड होता है हार्ड होता है और साथ ही साथ ब्रिटल होता है भंगूर होता है हार्ड एंड ब्रिटल क्योंकि देखे मैलिएबल uh, होने के लिए क्या चाहिए मैलिएबल होने के लिए जो एटम्स है एटम्स का जो लेयर्स है उसे स्लाइड करने का उसमें टेंडेंसी होना चाहिए कि एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर जाए तब वो मैलिएबल होता है लेकिन यहाँ पर ये इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है एटम्स कि ऐटम्स स्लाइड नहीं कर पाता है क्योंकि स्लाइड करने के लिए जो जो स्ट्रेंथ जो कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड चाहिए वो कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड ये नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है इसीलिए ये टूट जाता है बल्कि मैलिएबल नहीं होता है जल्दी टूटता है अब देखें चूंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है इसका एक और कंसिक्वेंस ये होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है वो टेम्परेचर जिसमें ये मेल्ट करे मेल्ट करने के लिए इसके बॉन्ड्स को टूटना होगा और चूंकि बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है इसीलिए इसे टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए दैट मीन्स ज़्यादा थर्मल एनर्जी चाहिए हैंड्स हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर में जाके ये मेल्ट करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है अब आप गौर करें कि कार्बन के वेइलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होता है और ये चार बॉन्ड बना रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके चार बॉन्ड बना रहा है मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इसके पास एक प्रॉपर्टी आता है कि ये इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है इंसुलेटर होता है लेकिन हर तरह का कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है देखिए कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होने के लिए क्या चाहिए होगा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है कि हर एक एटम अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है जैसे कि डायमंड हो गया सिलिकन कार्बाइड हो गया तो यही प्रॉपर्टी हमें ग्रेफाइट में भी मिलता है यहां ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रेफाइट भी कार्बन एटम से ही बना हुआ होता है कार्बन एटम से यहां पर भी एक कार्बन एटम अपने नेबरिंग तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है फॉर एग्जाम्पल आप इस एटम को देखें, ये एक दो और तीन कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और वो बॉन्ड क्या है कोवेलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड है मैं यहाँ पर लिख दूँ ये एग्जाम्पल जो है ये ग्रेफाइट का है और चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड है दैट मीन ये भी कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड ही कहलाएगा लेकिन हमें पता है कि कार्बन के वेलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होता है तो तीन तो इसने शेयर कर लिया एक एक एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने नेबरिंग एटम के साथ चौथा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा चौथा इलेक्ट्रॉन जो है चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे इस क्रिस्टल लैटिस में रहता है और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करता है इसका कंसेक्वेंस क्या होगा इसका कंसेक्वेंस यही होगा कि ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा सो so, ये एक एक्सेप्शनल केस की हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं इन जनरल तो कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड ये हार्ड और ब्रिटल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये इंसुलेटर होता है लेकिन ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है तो ग्रेफाइट का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा ये सॉफ्ट होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वेल well, ये तो एक प्रॉपर्टी इसका निकल के आएगा दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये कंडक्टर भी होगा क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड के बारे में बात किया इसका बेसिक बिहेवियर के बारे में बात किया और ये भी देखा हमने कि ग्रेफाइट किस तरह से इसका एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज रखता है तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब जाते जाते मैं आपको बता दू कि इस पूरे चैप्टर का जो प्ले है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गुड बाय